मैं सुधीर अष्टा आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो क्या हमको जो भी सेटिंग्स मिल रही हैं हम वहीं से शुरू कर दें या हमें कुछ सेटिंग्स में परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट दिखाई दे, नीट एंड क्लीन दिखाई दे और जिसको देखने से न सिर्फ आपको प्रसन्नता हो बल्कि जिसको ये आप भेज रहे हैं, जो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, उसको भी देखने में ये डॉक्यूमेंट अच्छा लगे। एक सवाल आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। एक डॉक्यूमेंट ये है जो हमारा एक प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट है जो सुधीर अष्टा इंटरनेशनल के कॉरपोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक मैनेजर साहब ने प्रस्तुत किया है, बनाया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करके। जो भी सेटिंग्स, जैसी सेटिंग्स उनको मिली, उन्हीं सेटिंग्स के हिसाब से उन्होंने उसको बना दिया। एक दूसरा डॉक्यूमेंट आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट देखने में क्या आपको ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें क्लैरिटी ज्यादा है? इसका थोड़ा सा जूम्ड वर्जन मैं आपको दिखा दूं। अब आप क्या बता सकेंगे? मुझे लगता है जो भी दर्शक इसको देख रहे होंगे उनको सबको लगेगा कि हाँ, राइट साइड वाला जो डॉक्यूमेंट है वो ज्यादा पॉलिश्ड दिखाई दे रहा है, ज्यादा प्रोफेशनल दिखाई दे रहा है और देखने में आंखों को सुहा रहा है। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके कारण आपको ये दाई साइड वाला, राइट साइड वाला डॉक्यूमेंट ज्यादा अच्छा लग रहा है? ये देखिए, यहाँ पे इस टेक्स्ट को इंडेंट किया गया है, पहली लाइन को, इस पैराग्राफ की पहली लाइन को थोड़ा सा पीछे धकेला गया है, राइट साइड में धकेला गया है, जिसको हम इंडेंटिंग बोलते हैं। ये देखिए टेबल, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये कहीं और से इंडेंट है, ये किसी और स्केल पे इंडेंट हो रहा है। जब हम आगे चलते हैं, इसका इंडेंटेशन कहीं अलग है, इसका इंडेंटेशन कहीं अलग है, और आगे ये इंडेंटेशन, ये और ये सारे इंडेंटेशन बिल्कुल एक अलग अलग दिशा में है और ये एक अलग ही जगह पे रुका हुआ है। इन्होंने अपना नाम और सिग्नेचर लगाने के लिए, जो सुकुमार जी ने अपना सिग्नेचर रखा है, अपना नाम रखा हुआ है, वो इन्होंने राइट साइड में तो ले गए लेकिन उसको अलाइन नहीं किया है राइट मार्जिन के साथ में। और ये जो हेडर आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये हेडर नहीं है बल्कि इसको मेन डॉक्यूमेंट का ही एक पार्ट बना दिया गया है। ये वाले जो पैराग्राफ, जो नंबर्ड पैराग्राफ है, इन पैराग्राफ को भी राइट साइड में ठीक से जस्टिफाई नहीं किया गया है, जैसा कि आप राइट साइड वाले डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं, जहां की ये मार्जिन, टेबल का मार्जिन और इस पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो सब ठीक से लेफ्ट मार्जिन के साथ में अलाइंड है। इसी तरीके से जितने भी पैराग्राफ्स हैं राइट साइड में जो है वो राइट के साथ में अलाइंड है, जस्टिफाइड है। सुकुमार जी का नाम और उनका डेजिग्नेशन वो भी बिल्कुल ठीक से अलाइन किया हुआ है और यही हाल जो नीचे इन्होंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये भी इसी तरीके से ठीक से अलाइन किया हुआ है। आइए अब देखते हैं ये डॉक्यूमेंट हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इतना पॉलिश डॉक्यूमेंट हम कैसे पा सकते हैं। इस वीडियो के मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको बताने के, वो ये है कि एक डॉक्यूमेंट को जब हम स्टार्ट करते हैं, नए डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करते हैं वर्ड में, तो कैसे स्टार्ट करें। मैं आपको बताऊं, ये चार जो सेटिंग्स हैं ये आपको डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर देने के साथ में ध्यान देनी चाहिए। अगर आपने डिफॉल्ट ऑलरेडी उन सेटिंग्स को बनाया हुआ है तो आपको बिल्कुल मिलेगी, लेकिन अगर नहीं बनाया है तो इनको सेट कर लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा पेज साइज के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा आगे कि पेज साइज क्या होना चाहिए। देन मार्जिन्स, आपको ऑफिस वर्क में करने के लिए, काम करने के लिए मार्जिन्स, डॉक्यूमेंट के जो लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स है वो कितने होने चाहिए और क्यों। फॉन्ट आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, मेरा एक अलग वीडियो भी है जिसमें मैंने फॉन्ट को पूरे डिटेल के साथ में डिस्क्राइब किया है कि आपको कौन सा फॉन्ट लेना चाहिए और किस फॉन्ट को यूज करने के क्या फायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं। पैराग्राफ, जो अलग अलग पैराग्राफ्स जो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में होते हैं, डॉक्यूमेंट क्या है अल्टीमेटली, तो पैराग्राफ्स एंड लाइंस का ही बना हुआ होता है, तो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, स्पेसिंग, अलाइनमेंट वो कैसे करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। और जो भी डॉक्यूमेंट ऑफिस के लिए हम बनाते हैं उसमें डेट्स का प्रावधान होता ही है, उसके अंदर अलग अलग जगह पे डेट होती है जिनको कि हम लोगों को एक प्रॉपर फॉर्मेट के, यूनिफॉर्म एंड कंफर्म्ड फॉर्मेटिंग के हिसाब से बनाना चाहिए, मैं ये आपको बताऊंगा। फॉन्ट के लिए मैंने एक अलग वीडियो, जैसे मैंने आपसे बताया, बनाया के रखा है, लेकिन फिर भी जस्ट टू रिफ्रेश, ये अलग अलग तरीके के फॉन्ट एक ही साइज 26 साइज में मैंने आपको बना के बताए हैं, न्यूमरल्स।
और ये अल्फाबेट्स द क्विक लेजी डॉग, जस्ट एग्जाम्पल के लिए 26 साइज का ये फॉन्ट लेते हुए, इन कैलिबरी वगैरह जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं उसके लिए बताया है। जब हम देखेंगे तो टाइम्स न्यू रोमन सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे कम स्पेस और सबसे कम इंक खाने वाला होता है, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि हम टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है वो बहुत तरीके की होती है, जो पैराग्राफ ड्रॉप डाउन मेन्यू में जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। अलाइनमेंट होता है, स्पेसिंग होती है पैराग्राफ की, स्पेसिंग लाइनों की, स्पेसिंग इंडेंटेशन होता है, लेफ्ट साइड से कितना हम इंडेंट देना चाहिए और राइट साइड से कितना इंडेंट देना चाहिए, स्पेशल इंडेंटेशन और पेज ब्रेक्स। टैब, पैराग्राफ को हम टैब से भी हैंडल कर सकते हैं। टैब के जो प्रकार है वो लेफ्ट टैब, राइट टैब, सेंटर टैब, डेसिमल टैब, बार टैब और टैब लीडर्स की। टैब और जो टेक्स्ट है उसके बीच में किस टाइप के लीडर्स होने होते हैं वो टैब बार में पता चलते हैं, लेकिन अभी टैब को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इंडेंटेशन को भी हम इस समय डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल अलाइनमेंट और पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में ही बात कर रही है। तो आइए चलते हैं अपने एक्चुअल डॉक्यूमेंट पे और मैं आपको बताता हूं। ये एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट है जो कि बनाया गया है सुधीर राष्ट्रा इंटरनेशनल के कॉरपोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। जब आप देखेंगे तो इसका जो फॉन्ट है वो कैलिब्री बॉडी साइज 11, ये यहां पे आप देख सकते हैं साइज 11। ये एक डिफॉल्ट, जब हम सेटिंग्स नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, तो विंडोज द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया ये सॉफ्टवेयर, इसमें ये फॉन्ट बाय डिफॉल्ट आता है। यहां से हमको पेज लेआउट में जब हम देखेंगे, पेज का जो साइज है, जब तक हम इसको सेट नहीं करेंगे, ये A4 या लेटर भी हो सकता है। ऑफिस में हम अधिकतर जो पेपर यूज करते हैं, जो स्टैंडर्ड पेपर हमको मिलता है, वो जेरोक्सिंग वगैरह के लिए और टाइपिंग के लिए जो यूज करते हैं वो A4 साइज होता है। इस केस में A4 साइज ऑलरेडी सेट है, अगर नहीं है तो आपको ये A4 साइज का पेपर ही लेना चाहिए। मार्जिन्स के ऊपर हम चलते हैं। मार्जिन्स ऑफिस वर्क में, क्योंकि आपको फाइलिंग इस डॉक्यूमेंट का करना पड़ता है, जिसको कि या तो हम डबल पंच के द्वारा पंच करके फाइलों में लगाते हैं, या सरकारी फाइलों में नॉर्मली एक सिंगल पंच होता है जो लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे कहीं किया जाता है, तो इसके लिए मार्जिन्स का होना, लेफ्ट साइड में मार्जिन्स का होना बहुत जरूरी है। इसी डॉक्यूमेंट को देखते हैं हम चलते हुए कि कैसे हम सेट करें। कस्टम मार्जिन पे जाइए, ये जो डिफॉल्ट मार्जिन है ये कुछ भी हो सकते हैं, तो टॉप मार्जिन में हमको इसका 1 इंच हमको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बॉटम में भी हम 1 इंच रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमको पेज नंबर्स और फुटर बनाने की जरूरत पड़ती है, तो बॉटम में 1 इंच, लेफ्ट में आप इसको 1.25 इंच रखें जिससे कि फाइलिंग करने में आसानी हो, और राइट साइड में हम इस मार्जिन को 0.5 रख देना काफी होता है। इसको जब हम सेट एज डिफॉल्ट आप जब देख रहे हैं, तो सेट एज डिफॉल्ट में इसको कर देने से आगे आने वाले सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यहां देखिए पेपर साइज भी आप यहां से सेट कर सकते हैं। ये मार्जिन और पेपर साइज फिट करने के बाद आप इसको सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए। तो ये वाला डॉक्यूमेंट और जितने भी डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे जब आप खोलेंगे तो ये आपका डिफॉल्ट हो जाएगा। आने वाले सारे डॉक्यूमेंट आपको इसी सेटिंग के साथ में आपको मिलेंगे। तो ये हमारा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमको सेटिंग करनी है वो है पैराग्राफ में जाने के लिए। तो पेज लेआउट के अंतर्गत आपको ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, आप इसको यहाँ पे हिट करें और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है इसकी वो कुछ इस तरीके की होगी, जिसमें कि स्पेसिंग आफ्टर 10 पॉइंट्स होता है और लाइन स्पेसिंग, मल्टीपल लाइन स्पेसिंग्स होती हैं। तो आप शुरुआत करते ही कंट्रोल ए दबाएं और उसके बाद में पैराग्राफ सेटिंग में जाएं, स्पेस आफ्टर ये आप 6 पॉइंट दबाएं, लाइन स्पेसिंग को सिंगल करें और ये जो डोंट ऐड स्पेसेस बिटवीन पैराग्राफ्स इसको आप हटा दें, यहां पे जो क्लिक है इसको आप हटा दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि हम जब भी दो पैराग्राफ के बीच में, ये देखिए यहां पे सुकुमार जी ने जब इनको स्पेस चाहिए था तो इन्होंने हार्ड रिटर्न करके एक एंटर करने के
के ये दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस को डालने का कोशिश किया है, ये एक बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। जब हम फॉर्मेट रिवील करेंगे तो यहाँ पे हमको ये देखिए ये सिंबल से हमको पता चलता है कि इन्होंने एक हार्ड रिटर्न किया है, ये चीज़ ठीक नहीं है, तो इसलिए आप इसको डिलीट कर दीजिए। ये देखिए इन्होंने इंडेंटेशन का यूज़ ना करते हुए ये स्पेस दबाया है, स्पेस बार से इसको यहाँ पे धकेला है, इसको भी आप हटा दीजिए। यहाँ पे भी इन्होंने जो डब्ल्यू को थोड़ा जो आगे किया है वो स्पेस दबा के किया है, इसको भी आप हटा दीजिए यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर ये हार्ड रिटर्न किया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हार्ड रिटर्न करके इन्होंने इसको स्पेस के द्वारा, अब ये देखिए स्पेस हमें सारे के सारे ये स्पेस यहाँ पे डिलीट कर देने हैं। तो जब भी आप दो पैराग्राफ के बीच में यहाँ आपको जब स्पेस चाहिए एंटर ना स्पेस एंटर दबा के स्पेस को एंटर मत कीजिए, बल्कि पैराग्राफ में आप जाइए, और क्योंकि आपको इस पैराग्राफ के बाद में स्पेस चाहिए तो इसलिए यहाँ से आके और आप उस पैराग्राफ को 6 पॉइंट कर सकते हैं। ये 6 पॉइंट का स्पेस काफ़ी ठीक रहता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मैंने यही 6 पॉइंट का ही स्पेस यहाँ पे लिया है आफ्टर दी पैराग्राफ। आफ्टर करना ज़्यादा बेटर रहता है, ये जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर का यूज़ कर स्पेस को पैराग्राफ के बाद में यूज़ करना पहले यूज़ करने के मुकाबले ज़्यादा आसान है और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस पैराग्राफ के बाद में जब आप टेबल डालेंगे तो ये एक स्पेस के बाद ये टेबल यहाँ पे डल जाएगी। इस डॉक्यूमेंट को हम आने वाले समय के साथ और ज़्यादा प्रोफेशनल पॉलिश करेंगे, ठीक करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डेट फॉर्मेट हमको ये वाला डेट फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए। मेरे एक अलग वीडियो में आपको मैंने बताया है कि ये dd.mm.yyyy फॉर्मेट हमको क्यों यूज़ करना चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने बता के रखा है इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है वगैरह वगैरह। जब भी हम एक नंबर्ड लिस्ट को इस्तेमाल करें, मैं आपको बताऊं ये नंबर्ड लिस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे नंबर्ड लिस्ट को जब हम यूज़ करें तो ये जो सबसे बुलेट के बाद वाला जो लिस्टिंग मल्ट का जो टैब है इसको नंबरिंग वाला टैब इस्तेमाल ना करके मल्टी लेवल लिस्ट वाला आप इस्तेमाल करें, और उसमें भी ये वाला इस्तेमाल करने से मल्टी लेवल लिस्ट में ये एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनेगा। और ये सारे हमारे इस टाइप से जब अगर आप देखिए ये वाला जब आप यूज़ करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद में मल्टी लेवल आपकी लिस्टिंग अगर 1.1 पैराग्राफ लेके आएंगे, अगर जैसे यहाँ पे ये वाला मैंने अगर लेता हूँ नंबरिंग सिस्टम, तो इसके बाद में अगर मुझे तो ये ए मिलेगा, लेकिन अगर मैं ये दूसरे वाली मल्टी लेवल लिस्ट से लेके इसकी ऑटोमेटिक नंबरिंग हमेशा आप ऑटोमेटिक करें, ये वाली जब मैं लिस्ट लेके करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये 1.1 मिलता है। मैंने आपको बताया कि जितने भी आप जब फॉन्ट इस्तेमाल करें तो फॉन्ट आप टाइम्स न्यू रोमन को यूज़ करें, और आप 12 साइज के फॉन्ट से आप शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बन गया। इसके बाद में जो मैंने आपसे बताया कि स्पेस आफ्टर, ये हम गए पैराग्राफ पे, पैराग्राफ के बाद में ये स्पेस, लेकिन ये जो टिक है यहाँ पे इसकी वजह से हमको स्पेस वहाँ पे मिल नहीं रहा है। जैसे ही आप टिक हटाएंगे तो ये लाइनों के बीच में आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है डॉक्यूमेंट। अब हम इसको हटा देते हैं। सो ये इस टाइप से आपको 1.25 इंचेस पे जो आपका मार्जिन फिट हुआ था वो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये 4 सेटिंग्स यहाँ पे कर लेनी है। आइए इसको मैं सेव कर देता हूँ, आगे वाली वीडियो में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से अभी हम हमारे टेक अवेज क्या है कि हमको अननेसेसरी स्पेसेस यूज़ नहीं करने हैं, और अननेसेसरी हार्ड रिटर्न्स भी हमको यूज़ नहीं करने हैं। पेपर साइज हम A4 साइज लेंगे। मार्जिन जब हम यूज करेंगे तो 1.25 इंच लेफ्ट मार्जिन, और बाकी सारे मार्जिन हम 1 इंच ले सकते हैं, या राइट मार्जिन को हम 0.5 भी ले सकते हैं। फॉन्ट हम यूज करें टाइम्स न्यू रोमन 12 साइज में। फॉन्ट प्रॉपर्टीज को भी हमको यूज करना चाहिए अंडरलाइन के लिए, बोल्ड करने के लिए, जो वहीं पे हमको मिलता है। स्पेस आफ्टर पैराग्राफ की जब हम अलाइन करें तो 6 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया 6 पॉइंट स्पेस आफ्टर यूज करें। अलाइनमेंट जस्टिफाइड, मल्टीलेयर लिस्ट और डेट फॉर्मेट DDMMYY। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो
पसंद आया होगा, ये टिप्स पसंद आई होंगी, आप इसको